आप लोग देख पा रही है डिजलीलर मेला, देख पे कितना भव्य मंदिर है ये। तो आपको दिखाते हैं डिजलीलर मेला का व्यू। तो देखिए सामने तो हम लोग लाइन बाजार जा रहे हैं, उसके बाद फिर तो देख सकते हैं बुक्कर को मिल गया मोमोज। तो अभी खाएंगे हम लोग गोलगप्पा, देख सकते हैं क्या चलो। तो अभी आए थे शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए भोले बाबा का, तो अभी दर्शन हो चुकी है। तो अभी देख सकते हैं सामने है, अभी मंदिर बन रही है अभी। तो ये है माता पार्वती का मंदिर, तो देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं आसपास का व्यू, तो देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये है मंदिर परिसर जो है, और आप लोग को सामने दिखाते हैं एक मंदिर और है जो राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। तो आपको दिखाते हैं और आगे का व्यू। तो देख पा रहे हैं, तो अभी मंदिर में आए हुए थे, तो देख सकते हैं पीछे मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर से, तो जाते हैं डिजलीलैंड मेला, तो आपको वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है कुआं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी आए थे बाइक लेके, तो प्रभु का दर्शन कर लिए, तो अभी निकलते हैं हम आगे की ओर। तो देख सकते हैं ये है शिव मंदिर जो हम लोग का गांव के अपोजिट है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हैं ये है पॉलिटेक्निक चौक। तो अभी हम लोग पॉलिटेक्निक चौक होते हुए जाएंगे डिजलीलैंड मेला, तो वहाँ भव्य मेला लगा हुआ अभी। तो ये है शिव मंदिर जो पॉलिटेक्निक चौक में स्थित है। तो अभी हम लोग जाएंगे, सीधा जाएंगे हम लोग। तो ठाकुर बाड़ी में ही है ये डिजलीलैंड मेला लगी हुई। तो ये शिव मंदिर है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं पॉलिटेक्निक चौक वाला रोड देखे, ठाकुर बाड़ी जाएंगे अभी। तो वहीं पे है डिजलीलैंड मेला, अभी काली फ्लावर मिल देते हुए हम लोग जाएंगे डिजलीलैंड मेला। तो बगल में देख सकते काली फ्लावर मिल लेफ्ट साइड में है, और बगल में है राधा कृष्ण मंदिर। तो अभी हम लोग सीधा जाते हैं, तो वहाँ दिखाते हैं आपको सामने। तो देख पा रहे हैं राइट साइड में है डिजलीलैंड मेला लगी हुई है, जो ठाकुर बाड़ी दुर्गा मंदिर के बगल में ही लगी हुई है, जो पूर्णिया में स्थित है। और ये पॉलिटेक्निक चौक वाला रोड है, तो आपको दिखाते हैं देख पा रहे हैं ये है डिजलीलैंड मेला। लेकिन एक पोपट हो गया है, आज डिजलीलैंड मेला बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। तो देख पा रहे ये है दुर्गा मंदिर, जो ठाकुर बाड़ी दुर्गा मंदिर है। तो अभी हम लोग निकलते हैं, क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी जाते हैं। तो देख पा रहे पीछे बड़ा झूला था, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो देख पा रहे हैं तो ठाकुरवाड़ी रोड देखे हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम है। तो अभी चलते हैं लाइन बाज़ार में, तो आपको दिखाते हैं और व्यू। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में ही लाइन बाज़ार पहुँच जाएंगे। लाइन बाजार जा रहे हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे का व्यू। देख सकते हैं हम लोग आए थे बाइक से भी जा रहे हैं मस्ती में, तो चलिए दिखाते हैं आगे का और व्यू। अभी हम लोग कुछ ही क्षण में लाइन बाज़ार पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में लाइन बाज़ार पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा उभर खबर वाला रोड है, तो आसपास देख सकते हैं आज मुहर्रम में भी है, तो इसीलिए थोड़ा जाम। ये है मंदिर हम लोग का दुर्गा मंदिर, जो लाइन बाज़ार जाते समय पड़ती है। तो निकलते हैं सामने, तो ये इधर छोटा सा मार्केट। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, अभी हम लोग लाइन बाज़ार पहुंच चुके हैं। तो देख पा रहे हैं आसपास पूरा डॉक्टर ही डॉक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल एरिया हो गया। पैसे डूसन यहीं पे पूर्णिया हम लोग लाइन बाज़ार पे आते हैं सब, जो भी दिक्कत होती है। तो ये बड़ा मार्केट है यहाँ पे दवाई रिलेटिव आपको यहीं पर मिलेगा, और जो है छोटा मोटा तो मिलता है, लेकिन दवाई ज़्यादा ही मिलता है यहाँ पे, दवाई हो गया हॉस्पिटल हो गया। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे, क्योंकि इधर लेफ्ट में बहुत जाम है, तो हम लोग जा रहे हैं।
तो लाइन बाज़ार जो हम लोग का है ये काफ़ी प्रचलित है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि यहाँ सदर अस्पताल है, देख पा रहे हैं आप लोग राइट साइड में, तो ये सदर अस्पताल अभी बन रहा है और बन चुका है कुछ तो, और यहाँ पे जो पहले से ही है मेडिकल एरिया है पहले से ही है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से आते हैं पेशेंट इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रचलित डॉक्टर भी है यहाँ पे, तो चलिए आगे आता है। तो ये है छोटा सा मॉल, तो देख पा रहे हैं, तो हम लोग जाते हैं सीधा, तो अभी हम लोग सुशांत सिंह राजपूत चौक क्रॉस कर रहे हैं, तो ये है रिलायंस, तो अभी हम लोग जाते हैं सीधा, आप लोगों को दिखाएंगे आस्था मंदिर, पहले भी आप लोगों को दिखाए थे, फिर एक बार दिखा देंगे, उससे पहले आप लोगों को दिखाएंगे पंचमुखी मंदिर। चलिए सामने देख पा रहे हैं आप लोग पंचमुखी मंदिर है, ये भी आप लोगों को पहले दिखा दें, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग है। तो देख पा रहे हैं राइट साइड में है ये पंचमुखी मंदिर जो काफ़ी प्रचलित है, पूर्णिया में स्थित है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको, और अररिया जाने के लिए इधर से आपको 48 किलोमीटर पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में है भी बाज़ार जो पूर्णिया लाइन बाज़ार में स्थित है। तो भी हम लोग होते होते बन गया, तो अभी देख सकते हैं ये सिटी कार्ड, तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा, तो अभी हम लोग लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि ये राइट नहीं जाना, हम लोग को लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट हम लोग का बस स्टैंड होते हुए हम लोग घर जाएंगे। तो अभी शाम के टाइम हो चुका है, अभी लगभग 7 बज रहा होगा, तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे और आपको दिखाते हुए जाएंगे क्या क्या व्यू है नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको और कुछ क्या क्या है नहीं है। तो टोटो वाले साइड तो दे दे भैया, सुन लिए हैं, साइड दे दिए, तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आपको थोड़ी देर में ही आस्था मंदिर का व्यू देंगे, तो देख सकते हैं आसमान में बादल कितना सुंदर छाई हुई है। तो ये है SDFC बैंक जो पूर्णिया में स्थित है। तो अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं आस्था मंदिर, देख पा रहे हैं आप लोग सामने ही आस्था मंदिर है, अभी आप लोग और साफ करके दिखाते हैं, देख पा रहे हैं ये है आस्था मंदिर, लेफ्ट साइड में है, ये है आस्था मंदिर चौक। तो अभी हम लोग आस्था मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो चलिए अभी दर्शन हो गया माता का, तो अभी प्रणाम करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते इधर का भी व्यू, तो अभी बादल पूरी छाई हुई है, कभी भी बारिश आ सकती है, पहले भी हुई थी बारिश, देख सकते रोड में भी पानी गिरा हुआ है, तो भाई साहब टर्न ले रहे हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो ये है RSS चौक, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये भी होटल है। तो थोड़ी देर में हम लोग RSS चौक क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे आगे। तो ये है नगर निगम वाला जो यहाँ पे गाड़ी उड़ी लगती है। तो अभी हम लोग RSS चौक पहुँचने वाले हैं, उसके बाद बस स्टैंड पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग पोल्ट्री चौक देखते हैं, वहाँ नाश्ता पानी होता तो करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो ये है इंटरनेशनल होटल, होटल इंटरनेशनल इन है इन होटल। तो अभी हम लोग RSS चौक पहुँच चुके हैं, तो RSS चौक का व्यू देख पा रहे हैं, ये भी मंदिर है लेफ्ट साइड में, ये है दुर्गा माँ का मंदिर। तो चलिए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बस स्टैंड कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। तो बस स्टैंड का भी व्यू देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है अम्बेडकर मार्केट और राइट साइड में है विकास मार्केट। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में आपको कपड़ा वपड़ा का मोबाइल वोबाइल सब कुछ यहीं पर मिलेगा, पप्पू भोजा वाला भी यहीं पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पप्पू भोजा बहुत काफ़ी प्रचलित है, MSK ब्लॉग जो है वो सर यहाँ पर आए थे। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं, तो देख पा रहे हैं ये है विकास मार्केट जो काफ़ी प्रचलित है, जो बस स्टैंड में स्थित है, पूर्णिया बस स्टैंड में स्थित है। तो चलिए यहाँ पे अभी काफ़ी जाम है, क्योंकि शाम के टाइम हो चुकी है अभी, तो देख पा रहे हैं अभी का व्यू कितना अच्छा है, लाइटिंग फाइटिंग लगी हुई है आसपास। तो अभी हम लोग का प्लान बना है कि पोल्ट्री चौक जाएंगे, वहाँ से नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है पोल्ट्री चौक में और क्या नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाज़ार कोलकाता जो लेफ्ट साइड में है, और फिर लेफ्ट साइड में है छोटा सा मॉल। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको दिखाते हैं हम लोग का मॉल का भी व्यू जो पूर्णिया में स्थित है, आप लोगों को पहले भी दिखाएं, आज फिर दिखा देते हैं।
तो चलिए, ये है आपको विवाह भवन जो लेफ्ट साइड में है। तो बादल देखिए कितना मस्त बादल है, बादल छाई हुई है आसमान में, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये है मैक्स और उसके बगल में है भीमार्ट, उसके बगल में है एम बाज़ार और बजाज पल्सर उल्सर गाड़ी का शोरूम और पेंटालो, तो उसके बगल में भूटू। तो हम लोग पोर्टिंग चौक पहुंच चुके हैं, तो देख पा रहे आप लोग लाइटिंग वोटिंग लगी हुई सीट बन गई है जो पहले दिखाई था आपको। तो देख पा रहे हैं ये राइट साइड में है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है, थोड़ा बादल छाई हुए। हम लोग अभी लेफ्ट मोड़ेंगे तो नाश्ता वास्ता करते उसके बाद फिर निकलेंगे। तो चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं ये भव्य मंदिर जो शिव मंदिर है, जो लाइटिंग का पूरा बवाल लाइटिंग है। और ये महा मंदिर जो शिव मंदिर है पोल्टिंग चौक में स्थित है, यहाँ बहुत प्रचलित है क्योंकि यहाँ जो भी कामना मांगता पूरी हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अभी तो फिलहाल पूरी जाम लगी हुई यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए बाबा जी का, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हैं आसपास सब्जी भी लगी हुई है, तो आइसक्रीम वाले भी हैं यहाँ पे, तो वो हम लोग जाते हैं सीधा। तो यहाँ पे सब्जी उब्जी जो भी फास्ट फूड सब मिल रहा है, देख पा रहे हम लोग अंडा उंडा जो भी है फास्ट फूड सब मिलता है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद राइट साइड मोड़ेंगे आगे हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग मोमो खाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं भैया मोमो। अभी बोल दिया भैया को थोड़ी देर में मोमो ला के देंगे, तो मोमो फिनिश करके देखें। तो देख सकते हैं वो मिल गया मोमोस, तो अब इसको फिनिश करेंगे। देख पा रहे तो अभी खाएंगे हम लोग गोलगप्पा, देख सकते हैं। तो अभी दे रहे हैं कटोरी, ये बेचारा पहले से रेडी है। अभी आ चुके हैं घर पे, तो होप करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।